1962 से लेकर 1972 के समय में क्या थी भारत की हालत, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1970 में अलग रहा, परिस्थितियाँ महंगाई बढ़ी और देश में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता चला जा रहा था। हम बात करें 1962 में चाइना और इंडो के बीच की जो वार हुई थी उसकी, उसी के बाद फिर 1970 में महंगाई एक अलग ही चरम सीमा पर उछाल ले ली थी, क्योंकि उसी समय पाकिस्तान से बहुत ही भीषण लड़ाई लगभग बहुत दिनों तक हुई थी। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में अभी महंगाई की जो दर है वो सबसे अहम मुद्दे में से एक है और महंगाई लंबे वक्त से भारत की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कब कब महंगाई ने भारत की जनता को परेशान किया। आज हम आपको बताते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद महंगाई का क्या क्या इतिहास रहा है, किन किन सालों में महंगाई ने ज़्यादा परेशान किया है और किस दशक में लोगों को महंगाई से राहत मिली है। इतिहास जानने के लिए 1950 से अब तक कब कैसे हालत बने और भारत को कैसे राहत मिली, हम बात करें। देश में महंगाई एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर नागरिकों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत को साल 1947 में तो आज़ादी मिली थी, उस वक्त 50 के दशक में महंगाई की करीब 7% थी, लेकिन साल 2020 में महामारी के बीच महंगाई की दर बहुत तेज़ी से उछाल ली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दशक में मुद्रास्फीति औसतन 7.5 थी और उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत, पेट्रोल लगभग 7 से 8 रुपये और डीजल 4 से 5 रुपये में लीटर मिल जाता था, लेकिन आज के समय में क्या स्थिति है आप सभी को पता ही है। लगभग पेट्रोल कई जगहों पर 100 रुपये पार हो चला है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, उस समय $1 की कीमत, यानी कि 1960 से लेकर 1970 के समय $1 की कीमत लगभग 7 से 8 रुपये के बराबर थी और आज के समय में तो लगभग $82 को छूने ही वाला है। इसी तरह महंगाई बढ़ी थी और उस समय लोग केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का लोग उपयोग करके अपने जीवन यापन करते थे। फैशन और महंगाई के दौर में इस तरह महंगाई बढ़ी कि लोगों को कुछ थोड़ा भी कानों कान खबर नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह लोगों के फैशन मांग और हर एक चीज़ों की आपूर्ति होती गई, महंगाई भी उसी तरह बढ़ती गई। पहले लोग उजाले के लिए डिबरी यानी कि लालटेन का उपयोग करते थे केरोसिन के तेल से, और आज के समय में तो हर कोई उजाले और लाइट के प्रकाश में रह रहा है। शायद इसी वजह से अब केरोसिन भी बंद हो चला है।